सर रविंद्र जडेजा की एक और बढ़िया पारी और इंडिया का स्कोर 649 पे 9 विकेट और विराट कोहली ने की पारी की घोषणा। तो वापस से मैं आ गया हूँ रिव्यू लेके तुम्हारे लिए, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए और जिन्होंने देख लिया उनके लिए एक इंटरेस्टिंग वे में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डे टू टेस्ट इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज का रिव्यू शुरू करते हैं। कल ऋषभ पंत और विराट कोहली नाबाद लौटे थे, इसलिए आज भी ओपनिंग उन्होंने की। विराट कोहली ने अपना वही धीमा गेम चालू रखा और ऋषभ पंत ने ठोकना चालू रखा। 82 बॉल पे 92 रन, सब बॉलों का मेरे ख्याल से इतनी थी पर 92 रन पक्का पक्का थे। 230 के आसपास बॉलें खेली और 139 रन मारे। जी हाँ, विराट कोहली की एक और सेंचुरी, 200 बना सकते थे बट चलो कोई बात नहीं, नहीं बनी तो नहीं बनी होता है। अब मतलब ठीक है भाई, कितना मजा लोगे तुम एक वीक टीम का, इतना भी नहीं लेना चाहिए ना। तो विराट कोहली ने सोचा चलो ठीक है छोड़ो, हम चलते हैं अगले मैच में देखेंगे डबल सेंचुरी का। वेस्ट इंडीज वाले सोच ही रहे होंगे अब शायद आराम मिले, विराट कोहली आउट, ऋषभ पंत भी आउट, बट उसके बाद भी कहाँ आराम। फिर आए रविंद्र जडेजा, सर रविंद्र जडेजा, जिन्होंने फिर से अपना बल्ला घुमाया, टेस्ट में पहला शतक लगाया। जी हाँ, पहला शतक है टेस्ट में रविंद्र जडेजा का। हालांकि उन्होंने एक वादा किया था कि जब भी मैं अपना शतक लगाऊंगा पहला तो दोनों हाथों से बल्ला घुमाऊंगा, बट मे भी वो शायद भूल चुके हैं अपना बल्ले घुमाने के वादे को और उन्होंने सिर्फ एक हाथ से बल्ला घुमाया, जिससे मैं बहुत निराश हूँ। दोनों हाथों से देखना था, इमोशन में शायद बह गए और नहीं कर पाए। और उसके बाद जैसे ही रविंद्र जडेजा की बैटिंग खत्म, मतलब 200 रन पूरे हुए, तो मोहम्मद शमी को एक बॉल खेलने का मौका मिला और उसके बाद विराट कोहली ने कहा चलो भैया वापस आ जाओ, बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि अगली बार टीम आए ही ना, चलो आ जाओ। तो सारे गए, एक इनिंग डिक्लेयर हो गया। बात आई दूसरी इनिंग की, और वेस्ट इंडीज की बॉलिंग बढ़िया नहीं रही। क्यों नहीं रही बढ़िया? क्योंकि शुरुआत का आधा घंटा तो ऐसा लगा हाँ भैया हमें विकेट लेना है, सोच रहे हैं ये लोग, बट उसके बाद तो ऐसा लगा ये कर ही नहीं रहे। बस एक टाइम जब रविंद्र जडेजा की सेंचुरी होने वाली थी तब इन्होंने थोड़ा रन रोकने की कोशिश की, उसके अलावा पूरे मैच में कहीं दिखा नहीं कि इन्होंने रन रोकने की कोशिश की है, बस रन आ रहे थे, आते गए। फिर वेस्ट इंडीज की बैटिंग आई और वेस्ट इंडीज का स्कोर तो अभी मैं देख के आया हूँ, अभी 100 रन भी नहीं हुए हैं और 6 विकेट आउट हो चुकी है और मे भी अभी 5 मिनट का गेम बचा है, शायद मैं जब तक नीचे जाऊँ या फिर वीडियो अपलोड करूँ तब तक एक विकेट और शायद हो सकती है। तो वेस्ट इंडीज के तरफ से एकदम बहुत ही घटिया बैटिंग और बॉलिंग तो बहुत ही ज़्यादा घटिया थी, दोनों ही घटिया हुए। ब्रैथवेट जो हैं वो सबसे इकोनॉमिकल रहे बट उन्होंने ओवर ही बहुत कम किए, 13-14 के आसपास ओवर किए, 3 की इकोनॉमी रखी। टेस्ट में 3 की इकोनॉमी कोई बहुत कम नहीं होती है और वो भी 13 ओवर करके। अब शायद वेस्ट इंडीज़ टीम में वो बात नहीं रही, अब पता नहीं, क्योंकि अब ना उनके पास कोई टैलेंट है ना ही कोई एक्सपीरियंस है इस वक्त। तो बस इतना सा था रिव्यू, क्योंकि 6 विकेट आउट हो चुके हैं। कल मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ टीम, जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन है, 150 भी शायद पार कर पाए, 170 के आसपास चली जाए तो अच्छी बात है, और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से फॉलो ऑन देगी। और ये टेस्ट मैच इंडिया जीत चुकी है और शायद हो सकता है कि हमें कल ही मैच का रिजल्ट देखने मिल जाए कि इंडिया हैव वन द मैच, कि इंडिया जीत चुकी है मैच। बस तो बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके लाइक करें, अन्यथा अगर तुमने लाइक नहीं किया तो हम शिकायत कर देंगे ऊपर वाले से और तुम्हें श्राप दे देगा वो। और अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस और आती रहेगी और क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस भी आती रहेगी जिसमें तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस बाय बाय, शब्बा खैर, जय हिंद, हैव ए गुड डे।